माँ सरस्वती का नाम लेकर दिन की शुरुआत सुबह 5:30 के अराउंड हो गई थी, इवन 5:15, आई थिंक 5:15 के अराउंड हो गई थी। आज मेरा भाई आया था, सो दैट्स वाई ओके सुबह सुबह की बस में ही। और फिर सबसे पहले हम उठे, नहाए धोए, रेडी शेडी हुए, परमात्मा जी को प्रणाम किया, थैंक यू किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, और फिर मोर जो हमारे सुबह सुबह आए होते हैं, गायें आई होती हैं, उनको हेलो बोल, हम बैठ गए गरम गरम चाय के साथ एडिटोरियल पढ़ने। ओके सो सबसे पहले हमने एडिटोरियल पढ़ा था, उसके बाद में हमने एडिटोरियल की क्लास लगाई थी, और उसके बाद में हमने एक क्विज लगाया था जो कि आरसी इंग्लिश का रहता है, जस्ट बिकॉज आई हैव वर्क ऑन माई इंग्लिश। और इंग्लिश के बिना बैंकिंग में सिलेक्शन, अगर हम आरआरबी को छोड़ देते हैं तो उनके अलावा अदर एग्जाम्स में थोड़ा सा मुश्किल है। इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश तो आपके लिए ईजी हो जाता है सिलेक्शन लेना, ये सिलेक्शन मतलब एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। हाँ, एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, जस्ट लाइक जीए में बहुत अच्छे हो, या फिर मैथ्स में बहुत अच्छे हो, रीजनिंग में बहुत अच्छा कर रहे हो, सो ओके। उसके बाद में हमने करंट अफेयर्स को रिवाइज किया था, और करंट अफेयर्स का मैंने वीक मे मंथ का फर्स्ट वीक रिवाइज किया था। ओके और फिर ऐसा हुआ कि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, रात को लेट सो पाई थी, और करंट अफेयर एक वीक की रिवाइज करने के बाद मैं आई एम टायर्ड, और मैं पहली बार मतलब इन 70 डेज में आज 1 घंटा सोई थी सुबह। ओके 11 से 12 बजे के बीच में 40-45 मिनट में सोई, और नींदों में मुझे ऐसा भी लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई है, तमन्ना, एंड मैं शॉक हो गई और मैं उठ गई। उसके बाद में लगा कोई भी नहीं है, फिर लगा चलो इतनी नींद बहुत है, उठ जाते हैं। उसके बाद में मैंने मेंस का एक मॉक डायरेक्ट सबमिट करके उसको सॉल्व किया। ओके और गाइडली की एक पीडीएफ की, रीजनिंग की, मेंस की, और कंप्यूटर को रिवाइज किया। दैट्स ऑल, आप भी शेयर करें। टाटा, टेक केयर, मिलते हैं कल।